दोस्तों बजाज रिसेंटली अपनी 200 सीसी की रेसिंग मशीन पल्सर RS 200 की तीन नई पेंट स्कीम को इंडियन मार्केट में लेकर आई है। अब RS 200 बर्न्ड रेड, मेटालिक पर्ल व्हाइट और प्यूटर ग्रे में अवेलेबल है। आज हम इनमें से बर्न्ड रेड कलर वेरिएंट की एक डिटेल्ड वॉकडाउन रिव्यू करेंगे। RS 200 पे नई पेंट स्कीम के साथ साथ इसमें और भी कुछ कॉस्मेटिक्स चेंजेस किया गया है। ये बदलाव क्या क्या है, अब इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी है, इसकी माइलेज, प्राइस सब आपको बताएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए मोटोमैट को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो मोटोमैट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बजाज ने पल्सर RS 200 को अब नई पेंट स्कीम और न्यूली डिजाइन ग्राफिक्स के साथ इंडियन मार्केट में लेकर आई है। ये बर्न्ड रेड कलर वेरियंट है। इसमें आपको मैट रेड के साथ ब्लैक और व्हाइट कलर की ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसकी टैंक के ऊपर पल्सर की 3D एम्ब्लेम लगा हुआ है। इसमें पहले की तरह ही शार्प एंड एग्रेसिव लुकिंग स्पोर्टी फेयरिंग दिया गया है, मगर अब इसकी फेयरिंग के ऊपर आपको 200 की बैजिंग देखने को मिलेगा। इसकी रियर पैनल को देखिए, बहुत ही शार्प और स्पोर्टी लुकिंग इसकी रियर पैनल है। इसके ऊपर भी आपको RS 200 की ब्रांडिंग मिलेगा। दोस्तों मुझे RS 200 की ये नई कलर स्कीम बहुत पसंद आया है, स्पेशली इसकी मैट फिनिश के वजह से ये कलर स्कीम बहुत ही प्रीमियम लग रही है। फ्रंट अपीयरेंस की बात करें तो इसमें एक बड़ी सी ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड दिया गया है जो राइडिंग के समय राइडर को विंग ब्लस्ट से बचाती है और उसके साथ इस बाइक पे एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक की फील देती है। इसमें आपको सुपर एग्रेसिव हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें LED DRL लगा हुआ है। उसके साथ ही इसमें आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। इसके फ्रंट अपीयरेंस को देखकर मुझे हॉलीवुड मूवी बम्बलबी की याद आती है। दोस्तों आपको RS 200 की फ्रंट लुक कैसा लगता है, नीचे कमेंट पे जरूर बताना। इसमें क्रिस्टल डिजाइंड LED टेल लैम्प दिया गया है जो बाइक पे एक यूनिक रोड प्रेजेंस प्रोवाइड करती है। ये देखिए, प्रीमियम बाइक की तरह इसमें भी LED टर्न इंडिकेटर दिया गया है। दोस्तों इसके फ्रेम को देखिए, अब इसमें आपको व्हाइट कलर की फ्रेम मिलेगा, पहले ये ब्लैक कलर का हुआ करता था। इसी के साथ मैच करते हुए इसके व्हील कलर भी चेंज करके व्हाइट कर दिया गया है। देखने में तो ये कमाल की लग रही है, मगर व्हाइट कलर की व्हील मेंटेन करना स्पेशली रेनी सीजन में बहुत मुश्किल होगी। इसके फ्रंट फेंडर पे अब कार्बन फाइबर की फिनिशिंग दिया गया है जो पहले नहीं था। रियर फेंडर पे भी आपको ऐसी फिनिशिंग देखने को मिलेगा। इसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखें तो इसमें DG एनालॉग मीटर कंसोल लगा हुआ है जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, क्लॉक, साइस्टन इंडिकेटर, ABS वार्निंग लाइट, RPM इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर और इंजन मैलफंक्शनिंग लाइट है। इसकी स्विच गियर्स क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको बैक लीड वाला प्रीमियम क्वालिटी की स्विच गियर्स मिलेगा। राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट और इंजन किल स्विच है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पास लाइट, हॉर्न, टर्न इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम स्विच मिल जाएगा। RS 200 पे प्रीमियम क्वालिटी की 2-पार्ट वाला सीट लगा हुआ है। इसकी कुशनिंग बहुत ही अच्छी है। इसमें राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही सफिशियंट स्पेस है। आप पिलियन को लेकर भी इसमें डेली कम्यूटिंग के साथ साथ लॉन्ग राइड्स भी कर पाओगे। इसकी सीट हाइट है अप्रोक्सीमेटली 810 mm, यानी कि एवरेज और टॉलर राइडर्स के लिए ये ज्यादा कम्फर्टेबल होगी। इसमें क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार दिया गया है जो बाइक पे फैंटास्टिक कंट्रोल प्रोवाइड करती है। इसमें आपको स्लाइटली एग्रेसिव सीटिंग स्टांस मिल जाता है, मगर ये कंफर्टेबल है, आपको लॉन्ग राइड्स में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब असली मुद्दे पे आते हैं, इंजन। इसमें 199.5 सीसी की 4-valve ट्रिपल स्पार्क बजाज पेटेंटेड DTSI इंजन लगा हुआ है जिसकी मैक्सिमम पावर है 24.5 PS और मैक्सिमम टॉर्क 18.7 Nm। ये इंजन अब नया पॉल्यूशन नॉर्म BS6 कॉम्प्लायंट है। BS6 करने के लिए अब इसमें एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर लगाया गया है। इस इंजन की पॉल्यूशन पुरानी BS4 वाला इंजन से लगभग 50% कम होगी। इसमें आपको लिक्विड कूलिंग मिलेगा जो डिफरेंट राइडिंग कंडीशन पे भी ऑप्टिमम इंजन टेम्परेचर को मेंटेन करके इंजन की परफॉर्मेंस को बरकरार रखती है। दोस्तों इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हो, फ्यूल इंजेक्शन एफिशिएंट फ्यूल कन्वर्शन करके इंजन की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इंश्योर करती है। इसमें 6-speed गियरबॉक्स दिया गया है
और हाँ, इसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट की ऑप्शन ही मिलता है, इसमें किक स्टार्टर नहीं है। दोस्तों RS 200 पे KTM RC 200 की ही इंजन लगा हुआ है, मगर इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग है, यानी कि परफॉर्मेंस को लेकर आपको किसी भी तरह की इशू नहीं आएगा। इसके सामने टेलीस्कोपिक फोर्क विथ एंटी फ्रिक्शन बुश और पीछे नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। बजाज इसकी सस्पेंशन सेटअप को ऐसे ट्यून किया है जिससे आपको सुपर्ब हैंडलिंग के साथ फैंटास्टिक बैलेंस और कंफर्ट भी मिले। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगा। इसके सामने 300mm और पीछे 230mm की पेटल डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। पेटल डिस्क की हीट डिसिपेशन बेहतर होती है नॉर्मल डिस्क ब्रेक से, यानी कि इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। इसमें 17 इंच की व्हाइट कलर्ड अलॉय व्हील लगा हुआ है। इसके सामने 100x80 और पीछे 130x70 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। इसकी व्हील बेस से 1345mm। इसमें आपको 157mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ये थोड़ा कम है। इसकी कार्बोवेट है 166kg। इसमें आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगा और माइलेज की बात करें तो एवरेज राइडिंग कंडीशन पे इससे आपको 35 के आसपास की माइलेज आसानी से मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो बजाज पल्सर RS 200 BS6 की ये नई कलर वेरिएंट 1,85,000 रुपीस के आसपास में अवेलेबल है। दोस्तों RS 200 की ये नया अवतार आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और ऐसे वीडियो फीचर में सबसे पहले देखने के लिए मोटोमैट को सब्सक्राइब करना ना भूलो। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।